हमारी गरीबा मन से ना ता कब ले तोरा बे शिव का सहाय का से ना ता कब ले तोरा बे भाग रे परे तवा इंडिया कहिया छोड़ा बे भाग रे परे तवा इंडिया कहिया छोड़ा बे भाग रे परे तवा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज लगभग 49 साल होने को है, लेकिन ये मोदी सरकार, फेकू सरकार, जो लंबा लंबा फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं, आज तक मात्र 4500 रुपया देने का काम किए हैं, जबकि इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। पहला कार्यकाल 2018 में इन्होंने 1500 रुपए बढ़ोतरी की, दूसरा कार्यकाल में 0/0 और तीसरा कार्यकाल अभी चल रहा है। आपने देखा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, हर जगह तो अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है। हर मैं दिल्ली के जनता में हूं और आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो महिला संख्या और नहीं, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है देश भर से यहाँ पे जुटकर दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही है, और इनका साफ साफ मांग है कि हमारी भी सैलरी बढ़ाया जाए। इसको लेकर यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही है। मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा क्या है मांग और किन मांगों को लेकर ये दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार कई वर्षों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे कई लोग कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं बिहार से आई हूँ और अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के प्रदेश महासचिव। क्या मांग है आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर? देखिए, हम लोग 12 सूत्री मांगों के समर्थन में आज दिल्ली मंतर के दिल्ली के जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारा मांग है कि हमको अस्थायी कर्मी करो, हमको भी वेतनमान करो, हमको भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। इतना नहीं करते तब तक कम से कम 25,000 आंगनवाड़ी सेविका को और 12,500 सहायिका को मांगे। तो अभी अगर बात किया जाए तो अभी आप लोगों को कितना पैसा सैलरी के रूप में मिलता है? अभी मात्र 4500 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है, जो कि ऑल इंडिया पे है, और हर स्टेट अपने अपने तरफ से जो उनको देना है सहयोग राशि देते हैं। तो ये बता रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मात्र 4500 रुपया देती है। मैं आपको बता दूं कि यही कार्यकर्ती जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती धरातल पे जो सरकार की जो पॉलिसियां तय होती हैं यही जन दर तक पहुंचाने में काम आती हैं, कारगर साबित होती हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से कोविड काल में घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा था, तो ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी वो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों के साथ, लोगों को वैक्सीन लगवाने में आप लोग काम करते थे। फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में हम लोगों ने काम किया। हम लोगों को कोई भी मास्क नहीं दिया गया, सैनिटाइजर नहीं दिया गया, हैंड्स ग्लव्स नहीं दिया गया। हम लोग आंचल से अपने मुंह को ढक करके जनता के बीच में जाते थे और सर्वे करते थे और कोविड का टीका लगवाते थे। आप लोग के अंदर क्या क्या काम आता है? देखिए, ICDS के तहत तो हम 6 सेवा पर नियुक्ति हुआ था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो विभाग, अन्य विभाग द्वारा जो कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, वो सारा कार्य हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मध्य मट दी जाती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज लगभग 49 साल होने को है, लेकिन ये मोदी सरकार, फेकू सरकार, जो लंबा लंबा फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं, आज तक मात्र 4500 रुपया देने का काम किए हैं, जबकि इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। पहला कार्यकाल 2018 में इन्होंने 1500 रुपए बढ़ोतरी की, दूसरा कार्यकाल में 0/0 और तीसरा कार्यकाल अभी चल रहा है। आपने देखा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, हर जगह तो अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है। हर जगह दीपावली का गिफ्ट दिया गया है हर विभागों को, लेकिन हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ये मानदेय के नाम पर सम्मानजनक मानदेय कहते हैं, वेतनमान सरकारी कर्मचारी की बात करते हैं, आप मोदी जी की बार बार बात कर रही हैं। वही मोदी जी हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आप लोगों के देश भर में जनधन योजना के तहत महिलाओं का खाता खुला है, फिर भी आप मोदी जी से इस तरह। अरे भैया, हम तो कहते हैं हमें वही पुराने दिन लौटा दो, हमें दुख दर्द वाला ही दिन लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। अब इससे अच्छा दिन क्या होगा, जो दीपावली के शुभ अवसर सभी महिलाएं अपने घरों में है, अपने बच्चों के साथ है, और हम यहाँ आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे हैं। आप मोदी जी से खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। इनको तो जिस तरह से अमेठी लोकसभा से
पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी को पवेलियन भेजने का काम किया गया। ठीक इसी तरह मोदी जी को भी पवेलियन भेजने का काम हम लोग तो कर ही दिए थे। क्या वजह थी कि आप लोग स्मृति ईरानी जी को पवेलियन भेजने की ठान ली? ये थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कहीं जब वो अपनी मांग पत्र सौंपने गए तो उन्होंने कहा कि आप एक घंटे का कर्मी हो और एक घंटे के कर्मी के नाते आपको अत्यधिक सैलरी मिल रही है, तो वो उनका घमंड बोल रहा था। लेकिन वही घमंड को चूर चूर करने के लिए हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे सभी सेविका सहायिका बहनों को शपथ दिलाई थी कि आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 है उसमें हम तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहने स्मृति ईरानी जी को हरा करके छोड़ेंगे। स्मृति ईरानी जी मोदी की परिवार थी, वो चुनाव हार गए या तो मंत्री भी नहीं रही, कुछ भी नहीं रही, घर की न घाट की। अच्छा, न घर का न घाट का, अदरवाइज नहीं लेंगे। लेकिन ये एक कहावत है जो कहावत उनको सूट बैठा है। उन्होंने इतना घमंड में आ गए थे, उनको घमंड का नशा चढ़ गया था कि किसी को कुछ नहीं समझ रही थी। 400 का सिलेंडर 1200 मिल रहा था, उस समय कुछ नहीं बोल रही थी, जिस समय 400 का सिलेंडर मिल रहा था लेके दौड़ रही थी। आप लोगों के अंदर वो दिन भी हमको याद है और आज का दिन भी हमको याद है। तो ये मोदी जी सिर्फ कमल लगा फेंकेंगे, झूठ बोलेंगे, ये महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये सब छलावा है, सब झूठ है, सब फरेब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो महिलाएं कहती हैं, जो कि उनके प्रवक्ता होते हैं, मीडिया सेल वाले होते हैं, वो कहते हैं कि 12 बजे रात में हमारी महिलाएं जो है रोड पर सुरक्षित है। निर्भया कांड से लेकर के अभी जितना भी कांड हो रहा है, क्या वो भारत की बेटी नहीं है? मीडिया वालों को मोदी जी की प्रवक्ता बिल्कुल यूट्यूबर छोड़ करके जितने जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं ये सब मोदी जी के दलाल हैं, उनके रहमो-करम पे चल रहे हैं। बिल्कुल प्रूफ है, अभी अभी प्रूफ है। हम इतनी संख्या में यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित है, कहाँ है आज तक न्यूज वाला, कहाँ है इंडिया टुडे वाला, कहाँ है बहुत सारे है ना न्यूज चैनल वाले। देश की विकास की खबरें चलाते हैं। रिपब्लिक भारत पूछता है, भारत पूछता है, मोदी पूछती है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कहाँ है? रिपब्लिक भारत कहाँ है? आज कहाँ है इंडिया वाले? देश की खबरें चलाते हैं, देश की विकास की बात कुछ नहीं, वो अडानी अंबानी की बात चलाते हैं, वो मोदी जी की बात चलाते हैं, वो पूंजीपतियों की सरकार है उनकी बात करते हैं। आपको लग रहा है कि देश के विकास में हिस्सा बन रही आंगनबाड़ी? क्यों नहीं बन रही? सारा काम कौन करते? क्या करती है आप? जब से बच्चा माँ के पेट में पड़ता है तब से लेकर के जब तक माता है माता के पेट में पड़ते हैं, वो सब हम दूर करते हैं, खाना उनका हमारा है, देख हम रहे तो कह तो रही थी स्मृति ईरानी की एक घंटा के लिए, एक घंटा के लिए इसीलिए तो चली गई है। वो ज्यादा एक घंटा ईरानी में लग जाता है। जब बिहार में हम लोगों ने असहयोग सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा उसमें माननीय स्मृति ईरानी जी से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तो ही संभाल रही थी, हमने सवाल किया कि जब हम 4 घंटे का कर्मी है तो 4 घंटे में स्कूल पूर्व शिक्षा और गर्म पका हुआ पोषाहारों बच्चों को खिलाते हैं, बाद में जो 4 हमारी सेवाएं बचती है उसका टाइम टेबल कहाँ है? वो हमें उपलब्ध कराइए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। तो वही महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से हमारे ही नाम से बिहार प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव के नाम से पत्र निर्गत होता है कि आप 4 घंटे का कर्मी नहीं बल्कि 6 घंटे का कर्मी है। हम आपके नेशनल दस्तक चैनल के माध्यम से, मैं भारत सरकार से, मैं मोदी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि 6 घंटे का टीचर कर्मचारी जब सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, वो वेतनमान हो सकते हैं, वो अस्थायी कर्मी हो सकते हैं, तो 6 घंटे के काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहने अस्थायी कर्मी वेतनमान सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं हो सकती? समान काम का समान वेतन क्यों नहीं दे सकती? चलिए एक सवाल सा है कि अगर चुनाव आता है तो यही आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती होती है कर्मचारी होती है सोशल मीडिया पर इन्हीं का पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार किया जाता है कि मैंने तमाम काम किए हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन आज ही आज इन लोगों को देखा जाए क्या स्थिति है,
दिल्ली के जंतर मंतर पे यही काम होता है करने के लिए। कोई कोई काम नहीं कर पाता है तो आंगनबाड़ी आगे आती है करने के लिए। जब कोई काम नहीं कोई कर पाता है सारा बिहारी है आंगनबाड़ी कर्मी याद आती है तभी हम लोग नहीं करते हैं। बच्चे जो माँ के गर्भ में होते हैं उनका देख रेख, उनका टीकाकरण करवाना, उनका खान पान का ध्यान रखना, उनका प्रसव करवाना, प्रसव पूर्व जो करना, बच्चे का टीकाकरण, उनका भोजन करवाना, अन्नप्राशन, गोद भराई, सर्वे, आर्थिक जनगणना, BLO, जितना काम होता है वो सब आंगनबाड़ी सेविका ही करती है। लेकिन मोदी सरकार अभी छात्र बढ़ाने के नाम पर कान में तेल डाल के सो जाते हैं। PM CM सोता है हमारा बच्चा रोता है। 3000 के नोट करीब पर कई लोग मर मारी आंगनबाड़ी हो, बेलो से हता बिगाड़ी आंगनबाड़ी हो। तो चलिए ये आंगनबाड़ी कर्मचारी लोग हैं जिस तरह से लोगों का साथ सबसे निवेदन करता हूँ अपने बात के अध्यक्ष महोदय जी से। चलिए तो ये बहुत बड़ा स्लोगन है। आप क्या सोचते हैं प्रभारी यही काम पर लैकन के पढ़ावे लू भैया। हम लोग तो ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि जो मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण, तो क्या हम लोग भारत की बेटी नहीं है? हम लोग महिला नहीं है? सरकार को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं चलिए तो ये महिलाएं हैं। आप तो कह रही है कि कुपोषण मुक्त देश बनना चाहिए।